रुको रुको रुको, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, जिससे मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा सबसे अच्छा आपको इस गाड़ी के बारे में क्या लगा। और अगर आपके फ्रेंड और फैमिली में कोई लेने की प्लान कर रहा है तो प्लीज उन्हें भी इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, जिससे वो भी इस गाड़ी से जितने भी कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है वो जान पाए। 2022 में यामा MT-15 वर्जन 2.0 में बहुत सारे एडवांस फीचर्स एड ऑन करे हैं कंपनी ने, चाहे फिर स्मार्ट वाई कनेक्टिविटी फीचर का अपग्रेड हो, USD फोक्स हो, LED हेडलैम्प हो, एल्युमिनियम स्विंग आर्म हो, या फिर गाड़ी में 6 स्पीड असिस्ट स्लीपर क्लच मैनुअल ट्रांसमिशन हो, तो उसके बाद गाड़ी एक परफेक्ट रेस रेडी बन जाती है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक व्हीकल आपको खरीदना चाहिए या नहीं, साथ ही में जिस प्राइस सेगमेंट पे ऑफर किया जा रहा है वो बर्थ वाई है या नहीं, उसको भी मैं कवर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। गाड़ी की प्राइसिंग से स्टार्ट करेंगे तो तकरीबन 1,59,900 रुपीज गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है, सो अप्रोक्सीमेटली 1,60,000 रुपए गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है। RTO इंश्योरेंस बाकी सारे पेपर वर्क वगैरह मिलाने के बाद ये कंप्लीट गाड़ी आपको ऑन रोड 1,85,500 रुपीज की पड़ जाती है, यानी कि 1,85,500 रुपए की ऑन रोड आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों फ्रंट में अगर मैं बात करूं तो आपको USD फोक्स देखने को मिलते हैं। व्हील साइज को लेकर बात करते हैं तो इसमें आपको 100x80 का R17 यानी कि 17 इंच का ट्यूबलेस अलॉय व्हील रेडिएटर R देखने को मिलेगा। डिस्क ब्रेक का साइज जो है वो तकरीबन 280mm का है, आई गेस डुअल चैनल ABS सपोर्ट करता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 10 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी। गाड़ी की अगर सीट हाइट की बात करें तो 810mm सीट हाइट है, जिससे सभी हाइट ग्रुप के लोगों को काफी कंफर्टेबल हो जाता है गाड़ी को चलाना। इंजन परफॉर्मेंस को लेकर बात करें तो इसमें आपको लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक SOHC 4-वाल्व 155cc टू बी प्रिसाइज का पेट्रोल इंजन देखने को मिलता है, जो कि तकरीबन 18.4 PS की पावर जनरेट करता है, 10,000 RPM पर और 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है 7,500 RPM पर। तो पावर और टॉर्क के मामले में तो कहीं पे भी आपको कमी महसूस नहीं होगी। हालांकि आपको माइलेज का जो इश्यू है वो कहीं ना कहीं कंपनी ने इसको ध्यान नहीं दिया, जो कि मेरे हिसाब से इंडियन कस्टमर्स को ज्यादा सेंट्रिक रखता है। मीटर कंसोल को लेकर बात करें तो इसमें आपको वाई स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर मिल जाता है, जिसमें आपको कॉल अलर्ट, SMS ईमेल अलर्ट, ऐप कनेक्टिविटी स्टेटस, मोबाइल बैटरी स्टेटस, फ्यूल कंजप्शन ट्रैकर, मेंटेनेंस रिकमेंडेशन, लास्ट पार्किंग लोकेशन, मैल फंक्शन नोटिफिकेशन, रेव डैशबोर्ड, साथ ही में गाड़ी की या फिर ओवरऑल जो आपकी रैंकिंग है परफॉर्मेंस वाइज वो क्या रहती है अक्रॉस द ग्लोब, वो भी आप मोबाइल के ऐप के थ्रू कनेक्ट कर पाएंगे। सीटिंग पॉस्चर की बात करें तो अग्रेसिव सीटिंग पॉस्चर है, राइडर के लिए तो भाई बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन पिलियन को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है क्योंकि सीट जो है थोड़ी सी छोटी रखी है। बाकी इंजन जो है आपको इंजन गार्ड भी नीचे की तरफ देखने को मिल जाता है। जो रेडिएटर ग्रिल का डिजाइन आ रहा है वो एक ऐसा बॉडी लाइन रखा गया है जिससे कहीं ऑड नहीं लगता, बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन असिस्ट स्लीपर क्लच के साथ आता है, तो एक आपका जो है गियर शिफ्टिंग जो है काफ़ी इजी हो जाती है और मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस वाइज भी इसको अपग्रेड करती है। अगर इसके माइलेज की बात करें तो तकरीबन 30 km/L का माइलेज गाड़ी प्रोवाइड कराती है, इससे ज़्यादा तो मैंने अभी तक किसी यूज़र से नहीं सुना। अगर आपके पास भी है MT-15 पुरानी वाली जनरेशन या फिर वर्जन 2 तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा गाड़ी का क्या है माइलेज, जिससे मैं और भी लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। रियर में आपको जो है स्विंग आर्म जो है वो एल्युमिनियम का मिल जाता है, जिसके कारण जो गाड़ी का वेट है वो भी काफी रिड्यूस हो जाता है, साथ ही में जो बिल्ड है वो स्ट्रांग हो जाती है। इसमें आपको डेल्टा बॉक्स फ्रेम मिलता है, इससे जो गाड़ी की बिल्ड है वो काफी स्ट्रांग रहती है। रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने को मिलेगा, जैसे कि आप चेकआउट कर पा रहे होंगे। बाकी व्हील साइज की बात करें तो काफी आपको वाइड टायर रियर में मिल जाता है, 140x70 का 17 ही इंच का देखने को मिलेगा, लेकिन जो टायर प्रोफाइल है वो 140x70 की हो जाती है, तो काफी आपको जो है वाइड टायर देखने को मिलता है। बाकी डिस्क ब्रेक जो है रियर में भी आपको मिल जाएगा। अगर इसके ABS की बात करें तो इसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलता है, साथ ही में अगर साइड पैनल को लेकर बात करें तो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल ब्लू कलर से व्हील हैं, काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, जो मैग व्हील का डिजाइन रहता है जिसके कारण जो लुक है बहुत अच्छा निकल कर आता है। बाकी ओवरऑल जो दोस्तों डिजाइन है काफी मिनिमलिस्टिक सा है, उसमें मेजर चेंजमेंट नहीं किया गया है, सेम पुरानी वाली जनरेशन के ऐसा ही है। हालांकि मेरे हिसाब से जो नई कलर स्कीम आई है वो और अट्रैक्टिव है,
बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा, क्या है आपको गाड़ी को लेकर, क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में, इस गाड़ी के बारे में, साथ ही में जिस प्राइसिंग में आपको प्रोवाइड कराई जा रही है वो एक वर्थ बाय है लेना या नहीं। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं थोड़ी सी ओवर प्राइस है। जिस हिसाब से गाड़ी में आपको फीचर्स हैं नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं, लेकिन थोड़ा सा जो प्राइस है 155 सीसी सेगमेंट के हिसाब से वो आपको थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। अगर दोस्तों पीछे की तरफ टर्न इंडिकेटर्स की बात करें तो अभी भी उसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है कंपनी ने, वही आपको जो है बल सेटअप में ही देखने को मिलता है टर्न इंडिकेटर्स। हालांकि एज अ एसेसरी पार्ट इसको आप एलईडी में अपग्रेड करा सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी लगा कर देती तो उसकी जो फिट एंड फिनिश आती है वो अलग ही रहती है, तो उसमें कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था, बहुत सारे यूजर्स की डिमांड भी थी। साथ ही में अगर इसके टफ कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो N250 पल्सर होने वाली है, डोमिनार 250 होने वाली है, क्योंकि इसी प्राइस सेगमेंट के आसपास ही कंपनी इनको ऑफर करती है सब कुछ अपने ऑफर वगैरह निकालने के बाद। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप इसको खरीदना चाहेंगे या नहीं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पर नए हैं तो बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।